Good morning, Houston. This is News Harrison, and I welcome you all in this amazing episode of Good Morning with NTV Houston on the biggest South Asian TV network in North America, presented by King's Construction. And our jo spice partner hai, wo hai Malka Foods and Fresh Up by Fruitos. आज की जो एपिसोड है आपने ऑलरेडी हमारे ट्रेलर के अंदर देख लिया होगा कि आज हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने आज के गेस्ट से. एंड विदाउट एनी फर्दर अडू टॉपिक भी उनके साथ डिस्कस करेंगे. आज के जो कुछ अहम एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल. सो वी हैव ऑन द पैनल हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी, अ फुल टाइम डॉक्टर एंड अ फुल टाइम क्रिकेट एनालिस्ट. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अगेन. बहुत बड़ी फख्र की बात है आपके प्रोग्राम में आना. थैंक यू सो मच. एंड विद हिम अ वेरी नोन कोच, एंड हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते भी हैं एंड चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं. साजिद भाई, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया उज़ैर, मेरे लिए भी उतना ही ऑनर है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया NTV पे आना और आपके साथ बैठ के प्रोग्राम करना. सो इट्स एन ऑनर फॉर अस एंड द चैनल टू हैव यू ओवर हियर. बहुत शुक्रिया उज़ैर, और बड़ी ऑनर की बात है जिस तरह का प्रोग्राम NTV ह्यूस्टन जिस तरह मकबूल है और डॉक्टर काशिफ अंसारी का वक्त का फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पर. उम्मीद करेंगे एक अच्छा नोट पे प्रोग्राम जाए. बिल्कुल, हम ट्राई करते हैं कि आप दोनों एज यूजुअल जिस तरह आप लोग की ट्रैवलिंग भी काफ़ी रहती है एंड डॉक्टर काशिफ तो बिल्कुल ही, तो जब हम यहाँ पे होते हैं हम चाहते हैं कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज एंड जो है मालूमात ले सकें. डॉक्टर काशिफ, क्रिकेट के ऊपर अक्सर बात करते हैं, प्लेयर्स के ऊपर बात करते हैं, तनकीद करते हैं, आज ही बात करेंगे. लेकिन ये जो दानिश के साथ हुआ ये बिल्कुल सही नहीं हुआ. एंड एंड टाइम पे मेरे ख्याल है अगर ऑक्सीजन मास्क ना हटाते वो तो आई गेस सर्वाइव कर जाते. बीइंग अ डॉक्टर क्या निगलिजेंस थी ये, अगर बाहर उनको भेज दिया था जिस तरह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को भेजा गया है तो बच सकते थे दानिश? बिल्कुल हो सकता है दानिश बची जाते और नहीं, मसला ये नहीं है. मसला ये अगर बच जाते तो क्या होता जी? प्रॉब्लम तो उस वक्त होती कि अगर वो बच जाते तो चॉइसेस दोनों अच्छी थी जी. तो मैं अगर दानिश की जगह होता तो मेरे लिए तो जिंदगी में काफी मुश्किल मसाइल खड़े हो जाते. तो अल्लाह जो करता है बेहतर करता है. ठीक है, एंड विद दैट एक सबसे पहले आपसे बात करेंगे इस वीडियो के बारे में भी, लेकिन डॉक्टर काशिफ से हम बात कर रहे हैं अबाउट दिस ड्रामा. साहिद भाई, हमने देखा रिसेंटली कि अभी बात चल रही थी अबाउट द T20 जो अभी चल रहा है पाकिस्तान के अंदर. इनिशियली काफ़ी चीज़ें उसके ऊपर सामने आई, प्लेयर्स जो है तैयार नहीं थे पहले आने के लिए, उसके बाद तैयार हुए, कैप्टन की तरफ से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसको किस तरह देखते हैं आप? एक ब्रीफ थोड़ा सा बस मैं इंट्रो चाहूंगा पहले आप. अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट था पाकिस्तान बांग्लादेश की 2020 सीरीज खेलना, और जिस तरह आपने देखा होगा एशिया कप के राइट पाकिस्तान के पास मौजूद है जी. और जिस तरह एशिया कप पाकिस्तान 2008 में हुआ, जिस तरह अभी एशिया कप दुबई में हुआ था और इंडिया जीती थी, और वैसे तरह लग रहा है तमाम लड़ाइयाँ एशिया कप की थी. और जिस तरह आपने देखा होगा ICC को इंडिया चलाता है और अफगानिस्तान और बांग्लादेश और ये बांग्लादेश सब उनको सपोर्ट करता है, और यक्स में कोई दो राय नहीं है, उसको मनाने में इंडिया का बड़ा अहम रोल है. बांग्लादेश के आने से पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फर्क नहीं पड़ सकता और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत बेहतर है. मगर जिस जो सवाल आपके नज़र में बांग्लादेश की लड़ाई है, बांग्लादेश की राइट की लड़ाई है, जो TV राइट्स होता है ना वो सारी लड़ाई उसकी है. जिस तरह आपने वसीम खान का बयान सुना होगा, हमने कोई बांग्लादेश की और ICC की कोई लड़ाई नहीं है एशिया कप की, असल लड़ाई यही है. इंडिया नहीं चाहता पाकिस्तान में आके एशिया कप खेले और अफगानिस्तान भी नहीं आएगा. बिल्कुल, इसके साथ हम आगे भी इस टॉपिक को लाएंगे, थोड़ी हम हाईलाइट्स दे रहे हैं. साहिद भाई, हमने देखा कि ड्रामा बहुत मकबूल हुआ पहले, उसके बारे में थोड़े से हम डिस्कस करें शुरू के, हमने 5-7 मिनट उसके लिए रखे हैं. अदनान सिद्दीकी का रोल काफ़ी अहम था इसके अंदर, किस तरह देखते हैं आप? काफ़ी क्लोज भी हैं, किस तरह क्या अप्रिसिएशन आपने दी ड्रामे को देखकर, क्या बात हुई लास्ट आपकी उनसे? देखिए, इससे अच्छा ड्रामा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ नहीं. हुमायूं सईद अदनान जो है दोनों स्पोर्ट्स लवर भी हैं, मैं अदनान को इस तरह जानता हूँ एज ए क्रिकेटर, दोस्त भी है और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं. ये हमारी खुशकिस्मती है हमारे मुल्क में ऐसे आर्टिस्ट हैं जो नौजवान लड़कों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए रोल मॉडल हैं, और पाकिस्तान से दुनिया में बहुत ज़्यादा इसकी मकबूलियत हुई exactly. है. और हमारे जिस तरह ये नौजवान हम कहते हैं ना सेलिब्रिटी हैं, इससे बड़ी सेलिब्रिटी पाकिस्तान में है नहीं. डेफिनेटली डॉक्टर काशिफ, ऑपोजिशन का सामना हर एक को करना पड़ता है, एंड डेफिनेटली जब ऑपोजिशन विद इन घर के अंदर से ही हो तो उसकी बात बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है. रिसेंटली जब हम ब्रेक पे जाने से पहले बात भी कर रहे थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले, तो आपके घर पे इनफैक्ट आपके घर वालों को एंड आपकी अम्मी को भी कुछ वीडियोस भेजी गई, जिसकी वजह से आपको आई गेस ये वीडियो बनाना काफ़ी महंगा नहीं पड़ गया? व्यूज़ तो खैर यार, मेरी बात सुनो भाई, मसला ये है कि जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ, मैं शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ. सही, तो ये जॉन एलिया साहब फरमा के गए थे. मसला ये है कि जो जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई थी वो टॉपिक जब से मैंने आँख खोली है
वो टॉपिक मेरे सामने मुसलसल शक्लें बदल के और कपड़े बदल के और मेकअप लगा के घूमता रहता है। मेरे कान पक गए ये टॉपिक सुन सुन के, और जब मैं अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाता हूँ तो ऐसी कोई चीज़ हकीकत में नज़र नहीं आती जिस तरह की तंजीमें ये जन्म रोज़ बरोज़ जन्म लिए चली जा रही हैं। ड्रामेबाजी नक्शेबाजियां, ये औरत हुकूक निस्वा, ये निस्वा वो निस्वा, उनको कोई हुकूक नजर नहीं आते कि जब मासूम लड़कियों को स्कूल जाने से रोका जाता है अपने ही घर के अंदर, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन औरत है जी। ये एक फैक्ट है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा मसाइल औरत के लिए औरत ने ही खड़े किए। लेकिन मसला यह है कि इनकी दुकानें चमकाने के धंधे हैं। मैं बात यह करता हूं कि इस मुल्क में सिर्फ दो कौमें बसती हैं, एक जालिम और एक मजलूम। चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, वो दोनों में जालिम भी हो सकते हैं, दोनों मजलूम भी हो सकते हैं। आओ इंसाफ की बात करें, मुसावात की बात करें, प्यार की बात करें, जोड़ने की बात करें, कॉमन ग्राउंड की बात करें। आप अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाई खड़ी हुई है वहां पर, बहरहाल ये, और जितना मर्द मजलूम है ना उसका 1% औरत मजलूम नहीं। आप एग्री करते हैं खलील रहमान के साथ, रिसेंटली जो हुआ इस ड्रामे के राइटर भी थे, यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी जाने से रोका गया क्योंकि पीपल और सही कह रहा है कि सिर्फ पैदा होने की खुशी होती है लड़के की, सिर्फ पैदा होने की, उसके बाद से लड़के के सर पर जो बोझ डाला जाता है, जो जिम्मेदारियों का पहाड़ डाला जाता है, तो वो जाके सिर्फ मट्टी के पहाड़ के नीचे दबता है जब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले चुका होता है। चाहे वो बेटे के रूप में जिंदगी गुजारे, चाहे भाई के रूप में गुजारे, चाहे शौहर के रूप में गुजारे, चाहे बाप के रूप में गुजारे, वो जिंदगी भर जिम्मेदारियों को चेस करता रहता है। अंग्रेजी का मुहावरा है ना, चेजिंग योर टेल। जी डॉक्टर बन जाओ, अपनी मिसाल ले लो यार, डॉक्टर बन जाओ किसी तरह, जिंदगी हो जाएगी। अच्छा जी अपनी जिंदगी सेट कर लो। अरे बहनों का क्या होगा, अरे भाई का क्या होगा, बीवी आ गई, बीवी कहेगी मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। अरे भाई हम साले इसलिए रह गए यार, सिर्फ इसीलिए। मर्द किसी को मजलूम नजर नहीं आता। सही कहा खलील रहमान खबर ने कि लड़कियों को तो सर पे बैठाते हैं हम। अरे हमारे यहाँ अल्लाह की रहमत आई है, हमारे यहाँ यार जितना दीन मजहब इस्लाम सिखाता है औरतों की बात, और करके दिखाया मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, करके दिखाया। हजरत फातिमा तशरीफ लाती थी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नशिस्त से खड़े हो जाया करते थे। इंपॉर्टेंस बिल्कुल बताई गई है, जितनी इंपॉर्टेंस है, जितनी इज्जत है। मैं अपनी माँ के आगे, मैं दुनिया के आगे बकबक करता हूँ, माँ के आगे मेरी बोलती बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है यार? क्योंकि माँ का मुकाम उसके पैरों के नीचे जन्नत है। ये बात कोई तो मैं हुकूक निस्वा वाली नहीं बताती, बैठ के ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, मौका मिल जाता है उनको अपनी सियासत चमकाने का, फॉरेन फंडिंग लेने का, और अपनी किताबें लिखने का, अपनी फिल्में बनाने का, अरे ऑस्कर लेने का। अबे छोड़ो ना यार, कोई और बात करो ना। काशिफ भाई, विद दैट आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रेज किया, लेकिन इसके साथ साथ डू यू थिंक ये जो आपको अपोजिशन सामना करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ विमेन कह रही हैं, या इसके साथ साथ कुछ आपको इस तरह के कुछ जो रीअकरिंग कॉमेंट्स, रीअकरिंग चीजें जो आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिली? लाखों लाखों लोगों ने सराहा, 95% लोगों ने सराहा, और पूरी दुनिया से साजिद भाई, सऊदी अरब से लेके अमेरिका, अमेरिका से लेके जापान, जापान से लेके ऑस्ट्रेलिया तक से मेरे पास व्हाट्सएप आए। सिर्फ बांग्लादेश से 2500 व्हाट्सएप आए, 2480 कि इस वीडियो को बांग्लादेश से, कि यार ये कितनी सही बात की कि मजलूम और जालिम में जिन्स की तफरीक नहीं है। Exactly. सिंपल बात ये है इस दुनिया के और इस तमाम उन तमाम थर्ड वर्ल्ड के माशरों में, थर्ड वर्ल्ड क्या अमेरिका के माशरों Exactly. यार हर कोई इसी चक्की में पिस रहा है, लेकिन उनको दुकान चमकाने के लिए वो नारे चाहिए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। आर यू किडिंग मी यार, खुदा को मानो, जब तुम पैदा हुई थी तो तुम्हारे भाई ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी थी, तुम्हारे बाप ने दूसरी नौकरी शुरू कर दी थी। सही कह रहे हैं। रातों की नींद हराम की, अपना जूता पूरा साल ना खरीदा, तुम्हारे लिए जा जा के चूड़ियां खरीदता था, वो भूल गया उस बाप को। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। तो इस तरह की जो भी खवातीन या लड़कियां इस तरह के कॉन्सेप्ट को प्रिवेल भी करना चाह रही हैं, सो यू आर टोटली अगेंस्ट इट एज वेल। एंड भाई मैं कहता हूँ, लड़कियों की बात मत करो ना मुझसे, ना लड़कों की बात करो मुझसे, इंसान की बात करो, क्योंकि मेरे नबी को वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, पूरे आलम के लिए रहमत बना के भेजा गया था। उसमें मर्द भी है, औरत भी है, चरिंद भी है, परिंद भी है, हर कुछ है। मैं उस नबी का उम्मती हूं। वो कहता है कि हर जालिम का हाथ अपने हाथ से रोको। अब वो जालिम औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो। मजलूम का साथ दो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई हो। औरत मर्द की कोई तफरीक नहीं है। सही कहा खलील रहमान कमर साहब ने, पढ़ा लिखा आदमी है वो, उसके सामने अंग्रेजी के दो लफ्ज ये टेढ़ी मेढ़ी आके बोलती है ना, उसको भी आग लगती है, मुझको भी लगती है। शायद मैं उनकी जैसी अंग्रेजी ना बोल पाऊं इतनी अच्छी, लेकिन मैं भी बोल सकता हूं। लेकिन वो टीवी पे आके जो अपनी अंग्रेजी झाड़ती हैं दुनिया को इंप्रेस करने के लिए, उनसे पूछो कि असल हकीकत, ग्राउंड रियलिटी है क्या?
दुकानें चलाना बंद करो ना यार, चलो आगे चलो और सवाल विद दैट साजिद भाई आपकी तरफ आएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमने टॉपिक हाईलाइट किया अबाउट द T20 सीरीज एंड बड़े कमबैक्स इसके अंदर हुए हैं, एक कमबैक जो नहीं हुआ एंड आज जो आपको बुलाने का मकसद था वो एक ये भी था कि कुछ दिन पहले डॉक्टर काशिफ की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसके अंदर जो है अक्सर जिसको वो क्रिटिसाइज करते थे, पॉइंट आउट करते थे, गलतियां बताते थे, उनके साथ इनकी काफ़ी खुशगवार मूड में तस्वीर थी। सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन था पिक्चर देख के, थोड़ा सा उसके बारे में देखिए। बड़ी खुशी हुई और डॉक्टर साहब ने हमेशा सरफराज को जो बात की उसकी जो खेल की वजह से उसको क्रिटिसाइज किया जो उसकी बैटिंग के हवाले से, और जो डॉक्टर साहब बात करते थे और जिस तरह वो शादी में गए और मैं समझता हूँ उनकी साली की शादी थी और डॉक्टर काशिफ का जाना और मैं समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात है, और काशिफ अंसारी की जो गुफ्तगू आपने सुनी हक और सच की बात करते हैं और मैरिड के कत्ल के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, सरफराज अहमद पाकिस्तान की आपको लगता है किसी ने फोर्सफुल मीटअप करवाया या तस्वीर ले ली किसी इवेंट के अंदर? नहीं, जितना मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू को इस तरह आप आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर साहब बहुत हम्बल इंसान है और जिस तेजी से गुफ्तगू करते हैं, जिसको अल्लाह ने इनकी एबिलिटी दी, एक डॉक्टर वर्ल्ड क्लास डॉक्टर है और जिस तरह इनकी वालदा का आपने जिक्र किया दुनिया में, और आप देखें ये बात वाज़े तौर पर ऑन रिकॉर्ड ही समझ लें, डॉक्टर साहब अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम जब पाकिस्तान होते हैं, जब हमारे इनको चैनल पर मिलाते हैं, एक दिन के लिए आते हैं, एक दिन आना आप ही अपनी माँ से दुआ ले लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिस तरह सरफराज का आपने जिक्र किया, देखिए सरफराज का कमबैक होना, जहाँ आपने दो शुएब मलिक की बात करी या हफीज़ की बात करी, देखें उनका कमबैक क्यों, 20 साल हो गए उनको क्रिकेट खेलते हुए और सरफराज की उनके एज में 10-12 साल का फ़र्क है, और आज मॉडर्न क्रिकेट में सरफराज इस 2020 को पाकिस्तान को वर्ल्ड रैंकिंग में लेके आया है। और जो आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं जिसको कप्तान बनाया, उसको तो अभी कप्तानी करने ही नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर काशिफ आपकी तस्वीर देखी गई, आप इनका पर्सपेक्टिव आ गया, आपका पर्सपेक्टिव डेफिनेटली जानेंगे, क्या सरफराज ने आपकी स्कैल्पल पकड़ने की तारीफ की या सर्जरीज बड़ी अच्छी करते हैं, क्या चीज़ पसंद है, क्या कौन सी ऐसी चीज़ आपको पसंद है या ट्रांसफॉर्मेशन आपको पसंद है बेसिकली सरफराज की? देखो यार उज़ैर भैया, संजीदा बात है, कुरान कहता है कि कह दीजिए कि मेरी दोस्ती मेरी दुश्मनी, मेरा जीना मेरा मरना, पूरी उसकी लंबी आयत है अल्लाह के लिए, ना मेरी दोस्ती सरफराज से ज़्यादती है ना मेरी दुश्मनी सरफराज से ज़्यादती है, जो अल्लाह और अल्लाह के बनाए दिए हुए तोहफे पाकिस्तान की खिदमत करेगा वो मेरा दोस्त है, जो पाकिस्तान से और अल्लाह से सिंसियर है वो मेरा दोस्त है। अगर वो पाकिस्तान टीम पे बोझ था या पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर रहा था तो मेरी आवाज़ सबसे पहले बुलंद होती थी। ठीक है, जिस दिन उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, जिस दिन लड़कों ने अपने आप को ठीक करना शुरू किया, उस दिन मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर बनूंगा, क्योंकि मेरी ज़ाती हैसियत कुछ नहीं है, मेरा ताल्लुक अल्लाह का ताल्लुक है और मेरा रिश्ता पाकिस्तान से रिश्ता है। पाकिस्तान के लिए जो चीज़ बेहतर है उसको मैं बबांगे दोहल कहूंगा, रोक सके तो रोक लो, सीधी सी बात है। सरफराज पाकिस्तान का T20 का बेस्ट कैप्टन था, है और होगा इंशाल्लाह। okay. ये मैं बबांगे दोहल कह रहा हूं, बाबर आजम पाकिस्तान टीम की कैप्टनशिप डिजर्व नहीं करता, मैं ऑन एयर कह रहा हूं, रिकॉर्ड में कह रहा हूं, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरफराज का रिकॉर्ड, सरफराज की मेहनत जो उसने अपने जिस्म पे की है, जो अपने खेल पे की है, जो अपने दिमाग पे की है, और जो उसने प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, नेट प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं और करके दिखाएगा जी, इसको आगे बात बढ़ाएंगे हम। राइट नाउ वी आर गोइंग टू अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वी आर इन टॉकिंग टर्म्स विद द डॉक्टर काशिफ अंसारी एंड साजिद खान, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। शुगरलैंड में आ रहा है अलरोपो वर्ल्ड फूड, 61,000 स्क्वायर फीट में होगा आपका अपना देसी मिनी मॉल, जहां ग्रोसरी से लेकर होम फर्निशिंग तक, ये है वन स्टॉप शॉप डेस्टिनेशन, लोकेटेड इन न्यू टेरिटरी एरिया एट यूनिवर्सिटी एंड ग्रैंड पार्कवे। अलरोपो ऑफर्स रिटेल स्पेस फॉर ऑल बिजनेसेस। अलरब्बा वर्ल्ड फूड्स, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल आमिर अली एट 512-652-8462। सुनो, आज क्या पकाऊं? कुछ नया पकाओ यार। हर रोज का है देखो एक ही सवाल, आज क्या पकाऊं? क्या है ख्याल? आ गए नई मलका रेसिपी मसाले, खालिस और बेहतरीन अज्जा, मुनफरिद जायका, नो एडेड एमएसजी और ग्लूटेन से महफूज। लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार गोश्त, पंजाबी तड़का दाल, पिशावरी कढ़ाई, मुझको देखो मिल गया इसका एक हल, रोज है मजा नया आज हो या कल। आज तो कमाल कर दिया,
कमाल तो मलका ने किया है। तुम्ही तो हो मेरे दिल की मलका। मलका, कुछ नया पकाओ। Kick off the new year with a new Cadillac from Ron Carter Cadillac. Own the new 2020 Cadillac Escalade with $9,000 customer cash or drive for just $829 a month. The first ever 2020 XT6 premium luxury crossover for $499 a month or the new 2020 XT4 luxury collection just $379 a month. All for 39 months lease with just $1 down. Your only Houston area Cadillac to your door dealer, RonCarterCadillac.com. Welcome back after the break. You are watching Good Morning with NTV Houston with your host Uzair Hassan. बात करेंगे और जो हम ऑलरेडी बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे. साहिद भाई, एक बात आपसे डेफिनेटली एग्री कर रहे हैं डॉक्टर काशिफ रिगार्डिंग कि T20 कैप्टन को चेंज होना चाहिए. बाबर आजम इज़ नॉट डिजर्विंग कैप्टन. विद दैट, आपको भी यही लगता है कि या आपको लगता है कि अगर उनकी परफॉर्मेंस जो है इफेक्ट करेगी, अगर वो कैप्टन होंगे तो शायद परफॉर्मेंस पे उनकी ये वाली चीज़ आएगी? उज़ैर, 100% बाबर अगर इतना बेहतर कप्तान होता था कराची किंग्स को कप्तान बनाती. बाबर तो बेसिकली तौर पर वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और हम उसको ख़राब कर रहे हैं कप्तानी की जिम्मेदारी. जो हमेशा बात करते हैं फर ऑफ लीडिंग, उसमें है ही नहीं. क्योंकि आपने देखा अभी बांग्लादेश की सीरीज़ हो रही थी और जो भी बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जिसके जिस तरह पहले बैटिंग करने का फैसला किया, जो दूसरा 2020 मैच था, अगर अच्छा शार्प कप्तान होता है या सरफराज होता तो फौरी तौर पर फास्ट बॉलर से कराता, अम्माद वसीम से बॉल नहीं कराता. तो यही चीज़ें हम लैग कर रहे हैं. बाबर में वो तमाम चीज़ें नहीं है. हाँ, बाबर में अगर प्रेशर आ गया कप्तानी का और पाकिस्तान नहीं दुनिया के 2020 वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया जाने टॉप लेवल की क्रिकेट जो पावर प्ले हम बैटिंग पावर प्ले या बॉलिंग पावर प्ले जो इस्तेमाल करना चाहिए वो बाबर के इस्तेमाल समझ में नहीं आता. और बार बार हम बात सरफराज की क्यों कहते हैं. सरफराज 3 साल से पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर रहा, तीनों फॉर्म कप्तानी की, इन खिलाड़ियों को मोटिवेट किया. आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम जहां खड़ी है, अगर वर्ल्ड रैंकिंग का मुकाबला करेंगे तो पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप जीतेगा तो सरफराज कप्तान होगा तो जीतेगा. ठीक है, विद दैट एहसान मानी जो चेयरमैन पीसीबी है उन्होंने बोला कि 2020 ईयर है, बेसिकली 2020 है ये, कि बहुत ही जबरदस्त होगा. पहले मैचेस बहुत आ रहे हैं और अब जो है क्रिकेट की एक नया रिवाइवल होगा. वॉज इट बिकॉज के उन्होंने जो दो सीनियर प्लेयर्स थे उनको वापस लेकर आए टीम के अंदर, उनका कम बैक हो रहा है, वॉज इट रिलेटिंग टू दैट आपके हिसाब से या किसी और सुनहरे ख्वाब उनके? मुझे नहीं पता उन्होंने किस जुमरे में ये बात कही है, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है फिलहाल. इस पूरी की पूरी जो कैबिनेट है पीसीबी की, इससे मुझे कोई उम्मीद नहीं है. सीधी सी बात, और मैं फैक्ट पे बात करता हूँ. हम अमेरिका में रहते हैं ना, जहाँ कहते हैं कि जी इन गॉड वी ट्रस्ट, रेस्ट प्रूव डेटा, कहते हैं रेस्ट प्रोवाइड डेटा, यही बोलते हैं ना. तो मैं डेटा देता हूँ. देखिए साहब, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो कुछ भी हो रहा है पिछले 18 महीनों में, हमारी तनज्जुली, हमारे यहाँ टैलेंट का ना होना, हमारे ग्राउंड्स की डिस्ट्रक्शन हो रही, जो ग्राउंड्स की हालत है, जो क्रिकेटर्स की डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद करने से जो पूरा एक स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया गया, जो ग्राउंड्समैन की तनख्वाहें, जो मुलाजमीन की जो डिजर्विंग थे उनकी तनख्वाहें, डोमेस्टिक क्रिकेट का नया स्ट्रक्चर 2 अरब रुपया खर्च करने के बाद, और जो इनकी शाह खर्चियाँ, अगर 18 महीनों का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें तो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट थी कि PSL अगला PSL पाकिस्तान में होगा, जो इंशाल्लाह ताला अंदर चंद दिनों में शुरू होने वाला है. Exactly. उसके इमरान खान के स्टैंड के ऊपर मानी साहब ने स्टैंड लिया है और उसके अलावा कुछ नहीं किया है. मैं बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि कोई पॉजिटिव कदम मुझे नजर ही नहीं आ रहा. मैं 2020 वर्ल्ड कप की बात आपके साथ कर लेता हूं साजिद भाई. 2020 वर्ल्ड कप होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में. बैटिंग जो करेगी साइड, जो लड़का खेलने जाएगा, उसका स्ट्राइक रेट होना चाहिए 135 से 175. जो भी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, आज ये बात रिकॉर्ड पे नोट कर लो, उनके सात बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट 135 से 155 या 175 के बीच में होगा. अगर तो आप ये कर सकते हैं, क्योंकि गेंद बल्ले पे आएगी, गेंद में पिच की वजह से बाउंस होगा, गेंद के अंदर पेस होगा, लेटरल मूवमेंट नहीं होगी, उसके लिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले और जिगरा रखने वाले बैट्समैन जो 135 और 175 के स्ट्राइक रेट पे बैटिंग करना जानते हो, rather it's more attacking players, डिफेंसिव वाले, naturally talented players. ये तो हो गए बैट्समैन.
बॉलर वो जो जिनकी कन्वर्जन रेट 4.5 से 5.5 के दरमियान हो, जो ओवर नंबर 6 से लेके 15 तक आपको मिडिल ऑर्डर की बैकबोन तोड़ के दे दें, जिसमें हिंदुस्तान के पास पूरी एक बैटरी मौजूद है, साउथ अफ्रीका के पास मौजूद है, इंग्लैंड के पास मौजूद है, नहीं है तो पाकिस्तान के पास नहीं है, और सबसे अच्छी अगर किसी की बैटरी है तो वो अफगानिस्तान की है। Okay. अफगानिस्तान के 6 ओवर से लेके 16 ओवर तक कोई भी टीम अगर 35 से 50 रन बना ले तो अपने आप को खुशनसीब समझे विकेटें हाथ में रखने के बाद। Okay. क्योंकि वो जिस तरह से टैलेंट्स और जिस दिमाग से गेंद वो करेंगे, जितनी वैरायटी से करेंगे, वो हमारे पास नहीं है। तो पाकिस्तान क्रिकेट को 18 महीने में एहसान मानी साहब ने कुछ नहीं दिया। मैं बबांगे दोहल ये कहता हूं, बताइए, मुझे जवाब दीजिए कि पाकिस्तान क्रिकेट का आज आपकी टीम 8 महीने रह गए वर्ल्ड कप शुरू होने में। मैं आपके तमाम, मैंने कल भी एक जगह ये बात की है, वीडियो पे भी बात की है, मैंने कहा टीवी चैनल पे भी कहा है कि मुझे बता दो मेरा ओपनर कौन है, मेरा वन डाउन बैट्समैन कौन है, मेरा कप्तान कौन है, मेरा विकेट कीपर कौन है, मेरा स्पिनर कौन है, मेरा पेसर कौन है, मेरा विकेट टेकर कौन है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, मेरी बेंच स्ट्रेंथ क्या है, मुझे कोई जवाब दे दो ना। पीसीबी के जो एहसान मानी कि आप तराने पढ़ रहे हो बैठकर, मुझे उन तरानों में कहीं ये इन सवालों के जवाब ढूंढ। स्ट्रेटेजिकल मूव नहीं है, अरे दिमाग ही नहीं है, विजन ही नहीं है। क्योंकि लाखों की तनख्वाह जब घर बैठ के 35 लाख मिसबा साहब ले सकते हैं, 25 लाख 28 लाख वसीम खान ले सकते हैं, और कोई पूछने वाला ना हो तो फिर क्या जरूरत है काम करने की, पूछे कोई उनसे कि मेरा ओपनर कौन है। एग्जैक्टली साहिद भाई, आपकी तरफ मैं आऊंगा। नए प्लेयर्स के अंदर एक जो थोड़ा सा आपके एडिशन भी कर दूं क्वेश्चन का, नए प्लेयर्स भी ऐड किए गए हैं T20 सीरीज के अंदर, ओपनर जो है इमामुल हक को भी चेंज कर दिया गया है फिलहाल, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए आप किस तरह देख रहे हैं इस चेंजिंग को, और ये आगे तक फॉर्मेट अगर सेम इसी स्ट्रैटेजी पे चलता रहा, क्योंकि 2 मैचेस जीत गए तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए T20 पे ले जा सकते हैं फॉर वर्ल्ड कप। देखिए उजैर, NTV की खूबसूरती है बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम करना और लोगों तक पहुँचाना। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया एज ए होस्ट आपने, बात यह जैसे डॉक्टर काशिफ अंसारी ने बात की, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, ये टॉप लेवल की टीम है। और अब पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान इवन इंडिया की टीम, इंग्लैंड, देखिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कप्तान गुजरा है, मौजूदा वजीर आजम अमरीका में आके कहते हैं वर्ल्ड की बेस्ट टीम बनाऊंगा, वर्ल्ड की इस तरह बनाएंगे, इन वकार और मिसबा को होते मिसबा को मिसबा नियाजी साहब को जो पोस्टें दे दी गई हैं, जो नवाज दिया गया है, डिपार्टमेंट के 3,000 खिलाड़ी बेरोजगार हो गए। आप 2020 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, पावर प्ले होता है, बैटिंग पावर प्ले की हम बात कर रहे हैं, जो डॉक्टर काशिफ अंसारी ने बात की, आपका ओपनर कौन है, अहमद शहजाद तीनों फॉर्मेट सेंचुरी करने वाला प्लेयर होता है, उसको आप सिलेक्ट नहीं करते, उमर अकल मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर है, उसको आप सिलेक्ट नहीं करते, बात ये हो रही है, नहीं 101% फिटनेस मैटर करती है, अनफिट खिलाड़ी को आप सिलेक्ट कर देते हैं, देखिए अनफिट खिलाड़ी है ना मोहम्मद वसीम, उसको आपने सिलेक्ट कर दिया, जो 110% फिट होता है सरफराज अहमद, उसको आप बाहर करते हैं। रात 3 बजे तक सरफराज पाकिस्तान की 2020 सीरीज में था, मगर एहसान, आप एहसान मानी का आपने जिक्र किया, वसीम खान का आपने जिक्र किया, मगर यहां पर जो चीजें हैं ना, ये एक टीम नहीं है, यहां मेरिट का कत्ल हो रहा है। आप पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, 2009 में ग्रेट यूनुस खान ने वर्ल्ड कप आपको जिताया था, आप विराट कोहली का मुकाबला कर रहे हैं, विराट कोहली दुनिया का बेहतरीन कप्तान है, 72 सेंचुरी बनाई है, 11,000 रन बनाए, तो आप बाबर आजम को उसको फेवर दे रहे हैं, उसको तो अली बे नहीं पता। हाँ आप लड़ सकते हैं, 5 में आ सकते हैं, मगर आप बेहतरीन टीम बनाए, आपका बेहतरीन फास्ट बॉलर शहनशाह आफरीदी बहुत अच्छा है, हसनैन बहुत अच्छा बॉलर, डॉक्टर साहब की बात को आप बहुत सेकंड इसलिए करूंगा, बॉलर तो आपके पास है वहां पर, बॉलर भी नहीं है, बॉलर भी नहीं है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे पास 29 फास्ट बॉलर मैंने यूज किए पिछले 2 साल के अंदर, मुझे बता दो मेरा स्ट्राइक बॉलर कौन है जो मुझको किसी वक्त भी विकेट निकाल के देगा। फिर मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान का बुमराह, मैं कहूंगा ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड का, मैं कहूंगा कोटेल वेस्ट इंडीज का, मैं कहूंगा जनाब वुड इंग्लैंड का, लियन प्लंकेट इंग्लैंड का, आप मुझे अपना बंदे का शादाब, और अरे शादाब को छोड़ो ना यार, 200 पाउंड वजन उसका बड़ा हुआ है, गूगली उससे नहीं हो पा रही, लेग ब्रेक हाफ ट्रैकर फेंक रहा है, क्या बात कर रहे हैं शादाब की बात, ओ भाई रुको रुको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया में गोल्ड मेडल लेने वाला है, आप पूछो क्यों, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने वाला है, ये वो उस चीज पे अवार्ड लेने वाले हैं कि हम आपको हीरे देंगे, उनको पत्थर में आपने कन्वर्ट करना है, ये सुबह शाम हीरों को पत्थर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि सिस्टम नहीं है, हमने शादाब दिया आज शादाब लाइबिलिटी बन गए, हमने फहीम अशरफ दिया वो दुनिया में कहीं नजर ही नहीं आ रहे, हमने मोहम्मद नवाज दिया वो घर पे बैठ कर के मेरे पास तो मुंह देख रहे हैं, बताओ हमने रुमान रईस दिया वो घुटने का इलाज करा रहे,
हमने उनको फखर दमान दिया, वो जनाब बच्चों के साथ फिल्म देखने गए हुए। ओ भाई ये है पीसीबी, जहाँ हीरे दो तो पत्थर मिलेंगे। काशिफ भाई, बीइंग एन एडवाइजर, एक बहुत बड़ी एक फ्रेंचाइज है पाकिस्तान की पेशावर ज़ल्मी, उसके आप एडवाइजिंग कमेटी में भी हैं, तो टीम को भी देख रहे होते हैं आप, क्या स्पेशल स्ट्रेटजी होती है जब आप बैठे हुए होते हैं टीम ओनर्स के साथ, उनके जहन में बेसिकली क्या पर्सपेक्टिव होता है एंड किस तरह आप अपनी टीम को और इसको लेके चल रहे हैं? मेरे प्यारे भाई, इस पूरी पाकिस्तान क्रिकेट को अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल से कोई चला रहा है तो वो पीएसएल फ्रेंचाइज ओनर्स हैं। ठीक है, हारिस रऊफ को उठा करके लाहौर की गलियों से निकाल के बिग बैश में भेजने वाला आकिब जावेद और राणा फवाद राणा साहब, अब ऑस्ट्रेलिया में भी चल सकते हैं। जी दिलबर हुसैन, दिलबर हुसैन भी यही इमर्जिंग प्रोग्राम से निकले, एक लड़का है लाहौर का जिसको उठा करके आज बिग बैश में खेल रहा है मेलबर्न स्टार्स की तरफ से। इमाद वसीम का आपने नाम लिया, ये भी आपकी पीएसएल की पैदावार है। आपने मोहम्मद हसनैन का नाम लिया, हसन अली का नाम लिया, फखर जमान का नाम लिया, फहीम अशरफ का नाम लिया, नवाज का नाम लिया, गौहर का नाम लिया, जितने नाम लोगे पिछले 5 साल में सारे के सारे पीएसएल की पैदावार है। इसी की वजह से वनडे में आप जलील होते हैं, टेस्ट मैचों में आप जलील होते हैं, क्योंकि पीएसएल की पैदावार 20 ओवर वाली होती है, वनडे 50 का होता है, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। लास्ट प्रोग्राम जब हमने किया था उसमें आपने स्पेशली एक चीज मेंशन की थी अबाउट द थ्रेशोल्ड ऑफ द प्लेयर्स एज वेल, कि वो जब एक अपना रन रेट, एक रन लैप ले रहा होता है तो उसके लिए एक सर्टेन स्ट्रेंथ चाहिए, सर्टेन स्टेमिना लेवल चाहिए जो कि मैचअप नहीं कर पाता है 50 ओवर्स के मैच को या टेस्ट क्रिकेट के मैच को। एंड एक चीज जो आपने हमने मेंशन पहले भी की थी अबाउट द पीएसएल ओनर्स को, फ्रेंचाइज ओनर्स को किसी तरह हम पीसीबी के अंदर इन्वॉल्व करें ताकि वो अपने डिसीजन दे सकें, इसके बारे में अभी आपका स्टैंड सेम है या थोड़ा सा चेंज? भाई बिल्कुल सेम है, लेकिन हमारे यहाँ साजिद भाई पीसीबी के फैसले पीसीबी नहीं कर रही, इमरान खान साहब कर रहे हैं जी, ये खुद वो कहते हैं अपने मुँह से कि खान साहब के फैसले। अब बेचारे खान साहब क्या क्या करेंगे, खान साहब IMF से लड़ेंगे, पड़ोसियों से लड़ेंगे, जाकर के ट्रंप साहब को गले लगाएंगे, ईरान से मिलेंगे, माली हालात देखेंगे, आटा ढूंढेंगे, टमाटर ढूंढेंगे, प्याज ढूंढेंगे, या फिर PSL के ऊपर नज़र रखेंगे। वो ये एक आदमी से मुल्क नहीं चलता यार, और उस मुल्क में एक ही आदमी है, बाकी सब छम छम खेल रहे हैं, सारे वो पैरासाइट की तरह खा रहे हैं इमरान खान को, उसकी जड़ें खोखली कर रहे हैं। अभी रिसेंटली रेलवे मिनिस्टर के ऊपर एक करप्शन का भी वो लगा है, तो कोई नई चीज तो नहीं है भाई, तो कोई और बात कर ले यार। एक जो चीज छोटी सी बस आपसे कमेंट लेना चाहेंगे, इसको आप किस तरह देखते हैं इस कमेंट को पर्टिकुलरली, क्योंकि टेक्निकली ये जो गवर्नमेंट है ये द बेस्ट गवर्नमेंट पाकिस्तान को अभी मिली है, तो आप कैसे देखते हैं इस रेलवे मिनिस्टर के ऊपर जब ये करप्शन लगा है? पीपल वर नॉट इनिशियली बिलीविंग इट कि यार अब इनके दौर में ऐसी, किसके दौर में? इमरान खान के दौर में। भाई इमरान खान वो है, वन मैन आर्मी है, ये वही चेहरे हैं, पहचान। अच्छा देखिए, कितना बड़ा संजीदा सवाल किया साहब, बस रहा उसना बंद करें, सवाल बहुत संजीदा है भाई साहब। ये जितने चेहरे इमरान खान के साथ बैठे हैं ये पिछले 50 साल से सिर्फ बुरके चेंज करके आते हैं, कपड़े बदल के, मेकअप करा के और थोड़ी बहुत प्लास्टिक सर्जरियां करा के, हर बाल लगवा के या बाल कटवा के फिर आके बैठ जाते हैं। वो ये होती है म्यूजिकल चेयर, आज आप वजीर आजम है या आपके पैर दबाएंगे, कल वो बनेंगे वजीर आजम उनके पैर दबाएंगे। खान साहब ने अगर कोई ज्यादती की अपने साथ तो ये की कि 22 साल जद्दोजहद में अपने अलावा किसी को तैयार नहीं किया, और जिनको तैयार किया उनको नाराज करके साल भर के अंदर वजारत खजाना से फारिग कर दिया। ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि नौमौलूद सियासी जमात की होती हैं, जिनसे खान साहब गुजर के आ रहे हैं और अब उनको शिद्दत से एहसास हो रहा है, लेकिन चूंकि ईगो बहुत बड़ी है, नाम बहुत बड़ा है, मान बहुत बड़ा है, वजीफे बहुत बड़े हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी हैं, तो वो उसको एक्नॉलेज नहीं करते। बिल्कुल साहिद भाई, आपसे कॉमेंट लूंगा, रिसेंटली कुछ टाइम में जो भी डॉक्टर काशिफ ने मैंशन किया कि डिस्ट्रक्शन लेवल डोमेस्टिक क्रिकेट पर बहुत ही बुरी तरीके से आई है, इवन आपको भी कुछ प्लेयर्स कॉन्टैक्ट करते होंगे रिगार्डिंग कि जब सैलरीज रुकी हैं, बहुत बुरे हालात हैं जो क्रिकेटर्स हैं जिनको जिन्होंने अपना एक ये पर्सपेक्टिव रखा हुआ था कि उनको आगे जाके क्रिकेट को कंटिन्यू करना है, वो फिलहाल अपने सर्वाइवल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट NGOs हैं जो अभी ये बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता है कि डिफरेंट NGOs हैं जो कुछ सपोर्ट कर रही हैं क्रिकेटर्स को ताकि वो अपने सर्वाइवल को कम से कम मैनेज कर सकें। किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए उसे बड़ा बोलते हुए दुख होता है और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहने को तैयार हूँ, जब पाकिस्तान के 3,000 से ज़्यादा खिलाड़ी बेरोज़गार हो जाए, और इसमें कोई शर्म नहीं है, डॉक्टर काशिफ अंसारी एक बहुत बड़ा डॉक्टर नफीद इंसान है, इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ,
बहुत से खिलाड़ी ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं, बेरोज़गार हो गए, इन्होंने बहुत सपोर्ट की जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये ख़ुद क्रिकेट लवर भी हैं और जिस तरह ये अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्कुल क्रिकेट के साथ साथ इंसान का इंसानियत की बात फील करना बहुत ज़रूरी है। मेरे कुलीग, मेरे ऐसे क्रिकेटर जो रिक्शा चला रहे हैं, बहुत गुरबत पे इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेके आया, डिपार्टमेंट बंद हो गए, टॉप डिपार्टमेंट जो हम जिसकी पैदावार है आज पाकिस्तान, जितने भी 92 वर्ल्ड कप की बात करूं, 2009 वर्ल्ड कप की बात करूं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करूं, पाकिस्तान की क्रिकेट को बंद कर दिया इन लोगों ने। हर कोई इमरान खान सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं होता मेरे भाई, इमरान खान भी पीआईए से खेला है, ये वसीम अकरम से पूछो, मोइन खान से पूछो, सब पीआईए की दरिया में। पाकिस्तान के जो ग्रेट प्लेयर हैं वो चुप क्यों हैं? डिपार्टमेंट को बंद कर दिया, 75 सेंचुरी बनी है, मौजूदा जो नए फॉर्मेट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आप खेल रहे हैं जो उसमें 75 सेंचुरी बनी है, आप मुझे बताइए उसमें किस बंदे को आपने सेलेक्ट किया टॉप लेवल के? उमर अकमल की मैं बात करता हूँ, उसने टॉप लेवल की कारकर्दगी दिखाई है। उमर अकमल के साथ बात करूँ, कामरा अकमल की बात करता हूँ, कामरा अकमल बेस्ट प्लेयर था, उमर खान लेफ्ट आर्म स्पिनर था, बाद ये कहाँ चले गए? मगर पाकिस्तान के करदा दर्दों ये पूछो, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के वकार पाकिस्तान शिफ्ट हो जाते हैं, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि उनको तो पैसे मिलने हैं। डिपार्टमेंट ने हारून रशीद के 5 भाई अगर पीसीबी में मौजूद हैं, हारून रशीद, मुतशिर रशीद, उमर रशीद, ताई रशीद, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऑन पेड 2 या 2.5 लाख रुपए में मुलाजिम पे जॉब करते हैं, मगर दुख होता है प्रोग्राम को इस तरह बताते हुए पाकिस्तान का इमेज खराब किया है। मौजूदा क्रिकेट बोर्ड में वसीम खान इंग्लैंड से आए, उनको क्या पता खरी का चूल्हा कैसे जलता है? इन लोगों से मैं मन्नतें करता हूँ, इनसे कहता हूँ, ये मेरी एक कॉल पे लोगों को टिकट भी देते हैं, लोगों का राशन भी देते हैं, ये लोगों की, ऐसे लोगों की मिसाल मैं क्यों दे रहा हूँ? ये उनकी तारीफ नहीं कर रहा, इनकी बड़ाई इसलिए कर रहा हूँ, इन्होंने मेरे कहने पर बहुत से क्रिकेटरों को हेल्प डेफिनेटली पॉइंट लेंगे। काशिफ भाई, आपका जब सिचुएशन इस तरह की आप देख रहे होते हैं खासतौर से, एंड आपने खुद भी एज यू मेंशन के बहुत बड़ा एहसान है, जब आपने वहाँ पे एक मिनिमम फीस पे आपने जो है जब अपनी स्टडीज कंप्लीट की, तो आप चाहते हैं कि गिविंग बैक टू द कंट्री पे आप बिलीव भी करते हैं, किस तरह देखते हैं जब इस तरह की सिचुएशन सामने आती है, एंड क्रिकेटर्स का ये हाल जब आप देख रहे होते हैं खासतौर से स्पोर्ट्समैन का? यार बड़ा दुख होता है, क्योंकि विजन नहीं है ना, क्योंकि ईमानदारी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये जो साजिद भाई ने बात की ना, बड़ी अहम बात की, कि वो लोग जो सेंचुरियां बनाए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, डिपार्टमेंटल क्रिकेट में, आज रक्षे चला रहे हैं, ठेले चला रहे हैं, किंची चला रहे हैं, वो बाइकिया चला रहे हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के सितारे थे, आज उनको पाकिस्तान की टी शर्ट पहन के ग्राउंड्स में अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन एक हुक्म पर, एक सिग्नेचर पर, एक बदमाशी पर इनको फारिग कर दिया गया, और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है, लेकिन जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। डेफिनेटली इस कॉन्वर्सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, इट्स टाइम फॉर अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो रह गई थी ब्रेक पे जाने से पहले, अभी जो हम कर रहे हैं उसमें एक ये था कि आने वाले टाइम पे कितने YouTube चैनल्स हमें देखने को मिलेंगे अबाउट दैट क्रिकेटर जो कि ऑलरेडी अभी खेल भी रहे हैं या जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उसके बारे में डिटेल्स देंगे, क्या टेक्नोलॉजीज हैं इसके ऊपर बात करेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। शुगरलैंड में आ रहा है अलरपा वर्ल्ड फूड, 61,000 स्क्वायर फीट में होगा आपका अपना देसी मिनी मॉल, जहां ग्रोसरी से लेकर होम फर्निशिंग तक, ये है वन स्टॉप शॉप डेस्टिनेशन, लोकेटेड इन न्यू टेरिटरी एरिया एट यूनिवर्सिटी एंड ग्रैंड पार्कवे। अलरपा ऑफर्स रिटेल स्पेस फॉर ऑल बिजनेसेस। अलरबा वर्ल्ड फूड्स, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल आमिर अली एट 512-652-8462। Our story begins more than 60 years ago inside an abandoned chicken coop where our founder discovered a retired teacher living, no home, no health care. So she said no to this injustice and yes to transforming lives. It's this drive, this compassion that inspired AARP. Today we empower people to choose how they live as they age. We advocate for health and financial security. We strengthen communities everywhere. We are AARP Houston, creating real possibilities. This will be a very nice day.
Welcome back after the break. You are watching Good Morning with NTV Houston. We are having an interesting conversation. बात हमारी चली थी मेरे पास तुम हो the amazing drama serial and उसको continue भी आगे हमने किया. कुछ जो चीजें अहम थी डॉक्टर काशिप YouTube चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल एंड मौजूदा क्रिकेटर्स प्लेयर के लिए मैं ख्याल है सर्वाइवल का भी आगे जाके मुझे लगता है कि यही एक चीज़ साबित होंगे या एक मीडियम होगा आने वाले वक्तों में किस किस का YouTube चैनल आप देखेंगे देखो बेचारे जिसका भी हो अच्छा हो लोगों को सीखने का मौका मिले मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता मसला हमारे यहाँ ये है कि जिन क्रिकेटर्स के ऊपर जिन इंडिविजुअल्स के ऊपर कौम ने पैसा लगाया वक्त लगाया उम्मीदें बांधी जिनसे वो आज YouTube पे बैठ करके अपनी तकरीरें कर रहे हैं ना कि ग्राउंड में उतर के लड़कों को तैयार करें लड़कों पे काम करें अपना वक्त सर्व करें अपनी जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं जो सलाहियतें सीखी जो गुर सीखे सालों क्रिकेट खेल के अपने जैसे मजीद क्रिकेटर प्रोड्यूस करें ना कि टीवी पे बैठ के गेम शोज़ में जाके यूट्यूब चैनल बना के चार पैसे बनाने का तरीका ढूंढें लेकिन ये भी है आखिर कहाँ से गुजारा करेंगे वो उनको भी तो घर चलाने हैं हमें उनका नज़रिया भी तो क्वेश्चन करूंगा हर क्रिकेटर शोएब अख्तर की तरह अपने साथ यूट्यूब वीडियो में वाली जफर को नहीं ला सकता हर क्रिकेटर हरभजन सिंह या इस तरह के फिनोमिनल प्लेयर्स को यूट्यूब पे नहीं ला सकता तो फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं काशिप भाई आप बताइए क्योंकि आप कितने फॉलोअर्स हैं एंड फॉलोइंग है व्यूज बढ़ाने का एंड फॉलोअर्स बढ़ाने का कोई एक तरीका जो मसला ये है कि ये जो जो नाम इतना बड़ा है शोएब अख्तर का यार माशाल्लाह से अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी उसको जरूरत नहीं है इन सब लोगों को लेके आने की चैनल पर लेकिन शोएब अख्तर साथ साथ जो अपना टैलेंट हंट स्कीम चला रहे हैं या ग्राउंड में थोड़ा वक्त गुजार रहे हैं या पाकिस्तान टीम के साथ बगैर तनख्वाह के बगैर किसी टाइटल के अगर काम करना शुरू कर दें तो बेपनाह फॉलोइंग उनकी हो जाएगी चैनल पे व्यूज खुद ही बढ़ना शुरू हो जाएंगे अभी बांग्लादेश आई हुई थी आप उनके साथ चले जाते लड़कों के साथ डगआउट में बैठ जाते ट्रेनिंग सेशन में बैठते लड़कों को सिखाते दोनों चीजें हो मतलब अपना यूट्यूब भी हाँ क्योंकि भाई घर भी तो चलाना है क्यों ज्यादती कर रहे हो क्यों बैठ के हम तनकीदे करें उनके ऊपर क्या उनके बीवी बच्चे नहीं है वो कमेंट्री नहीं कर सकते वो किसी टीवी के ऊपर बैठ के एनालिस्ट नहीं बन सकते वो पीसीबी में नौकरी नहीं कर सकते कोई फॉरेन कंट्री बाहर का कंट्री तो हमारे यहाँ ही होता है ना तो दूसरा मुल्क उनको कोच नहीं लेता क्योंकि वो समझता है कि इससे बेहतर लोग हमारे पास है तो घर चलाना है बीवी कहेगी खाना कहाँ से खाएंगे तुम बैठ के सिर्फ यहाँ पे हीरो बने बैठे रहते हो तो भाई उसको सपोर्ट करो हर वक्त उसकी तनकीद जरूरी नहीं है लेकिन 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 रुक जाओ साहिब भाई एक सेकंड आपने मेरे पास तुम हो की बात की है मैं चाहता हूँ उस मौजू पे दोबारा चले ठीक है आपको पता है लिखा किसने है उस ड्रामे को खलील और रहमान कमर साहब ने सलाम है उस शख्स पर सलाम है उस पाकिस्तानी पे उस इंसान पे उस मुसलमान पे जो सच बात करता है हक बात करता है इसलिए नहीं कि औरत को ये दिखाया मर्द को नहीं बात सही हुमायूं सईद आयजा खान साहिबा इसी तरह से अदनान सिद्दीकी साहब ये वो नाम है को भूल गया हम हिरामानी साहब ये वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान की पहचान है पाकिस्तान का नाम है बर्रे सगीर की तारीख का सबसे बड़ा ड्रामा उन्होंने बना के दिया कम से कम बजट में ना किसी की तजलील हुई ना किसी की सताइश करी गैर जरूरी ना बुरी बात ना गंदी बात ना कपड़े कम ना कपड़े ज्यादा ना डायलॉग ये डायलॉग वो लेकिन जो चंद यंगस्टर्स आए हुए हैं मुझे कुछ लोगों ने तस्वीरें भेजी और कहते हैं कि मैं उस मौजू पे जरूर बात करूं मैं आपके दो मिनट ले रहा हूं लेकिन इसे सुन लीजिएगा कि फलां की शादी हो गई अब वो अपने शौहर के साथ वो तस्वीरें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे डाल रही हैं जिसका मेरे से या आपसे कोई लेना देना नहीं है मैं शौहर से लड़ूं या उसको गले लगाऊं या उसको प्यार करूं या उसकी चाय में नमक डाल दूं ये मेरा मसला है ना यार आप पूरी दुनिया के सामने शौहर से वो अपनी प्रोफाइल पे जो करना चाहें नहीं 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 लेकिन जो 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 हरकतें पाकिस्तानी देखो याद रखिएगा एक बात को जिन कपड़ों में वो आए थे ना सारे के सारे ह्यूस्टन तशरीफ लाए थे ना एक टीवी अवार्ड में आए थे ना exactly. हमने उनको अपनी नजरों से देखा हमारे सामने किया हमारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि बाबा ये पाकिस्तानी है ये मुसलमान है बहुत अफसोस की बात है क्योंकि किसी ने क्या खूब बात की है कि अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे और अपने परचम का कहीं रंग भुला मत देना सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे ये ग्राउंड उन लोगों का नहीं है कल के बच्चों का ग्राउंड नहीं है सीखो हुमायूं से सीखो अदनान से सीखो एजाज से सीखो इरफान से सीखो सबा परवेज से इनकी ये कवि से बहरो सब्जवारी साहब से अपनी फॉलोइंग छोड़ी हुई है ये देखो ये है हमारा माशरा इसको प्रमोट करो हमें नहीं फिकर कि तुम्हारा शौहर तुमसे कितना प्यार कर रहा है कितना उछल के तुमने उसके मुंह पे प्यार कर लिया आई डोंट गिव अ डैम आई समझे बात करोड़ों लोगों को उसकी फिक्र नहीं है बहुत शुक्रिया काशिप भाई एक साहिब भाई आपके साथ कमेंट भी लूंगा आपसे और बिल्कुल हम एंड की तरफ जा रहे हैं काशिप भाई का भी एक ब्रीफ कमेंट चाहिए होगा रिगार्डिंग एक जो हमारा इशू रह गया आज का
पीसीबी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उन्होंने एक और सोशल मीडिया का साइट का एक इंट्रोडक्शन करवा दिया है। पुरानी साइट थी लेकिन उसको हैक वैक जो भी कर रहा है, तो ये कौन है पीछे और इससे जो मॉनेटरी बेनिफिट्स अर्न होते हैं इसको किस तरह देखें? इसका मैं आपको यूट्यूब का सवाल दे दूँ, बाकी डॉक्टर साहब से ले लेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आप मिस कर गए। देखें यूट्यूब चैनल और शुएब अख्तर का आपने जिक्र किया और वो जिक्र मैं ना करूँ तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। देखें यूट्यूब चैनल दुकान है और दुकान जब आप किसी निजी चैनल हक है, मगर हक इस तरह का नहीं है। आप निजी कौमी चैनल में बैठ के आप किसी को प्रमोट करें, एक बंदे की आप आती है यूट्यूब की रीडिंग आती है 500 की, आप उसको आप हाइट बढ़ा देते हैं, दानिश कर रही है कि 1 लाख 1.5 लाख 5 लाख आ जाती है। शुएब अख्तर वो बंदा है, पाकिस्तान में ग्रेट फास्ट बॉलर था, मगर उसकी क्रिकेट एबिलिटी पे मुझे कोई शौक नहीं है। जब यूट्यूब चैनल पे आके किसी की मार्केटिंग करें और इंडिया में जितने उसके आप देखें, हमेशा इंडिया में सहवाग की बात करूँ, आपने भी जहन से गुजरा होगा, सहवाग ने भी वो बात की जब इनको मार्केटिंग चाहिए होती है, कोई दुकान चलानी होती है तो इंडियन प्लेयरों की तारीफ कर रहे होते हैं। हर कोई विराट कोहली नहीं होता, अपने ग्रेट प्लेयर की रिस्पेक्ट करें, मगर उसने क्या करा, एक बड़े चैनल पे बैठ के, हमारे कौमी चैनल में बैठ के जो गुफ्तगू उसने दानिश की बात की वो बड़ी ज्यादती। बिल्कुल बिल्कुल आ गया, थैंक यू सो मच साजिद भाई, आपका कमेंट आ गया। एक फाइनल कमेंट ब्रीफली, इस सोशल वेबसाइट को आप बिल्कुल अवेयर होंगे, पाकिस्तान की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट्स हैं जो पीएसएल के वक्त, जब पहला पीएसएल हुआ था उस वक्त शुरू हुई थी अपडेट्स वगैरह के लिए। उस वक्त एक फॉरेन साहब, एक ऑस्ट्रेलिया के साहब थे, उन्होंने इस कंपनी की फॉर्मेशन की थी, बिड की थी, इनको राइट मिल गए। फिर हमारे जो माजी के फास्ट बॉलर वसीम अकरम साहब, वो उनके प्रोमोटर थे, उनके एम्बेसडर थे। आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया, 3 साल में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, लेकिन वसीम अकरम साहब उसके पार्टनर बन गए और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए ये पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं क्योंकि जान पहचान है पीसीबी में। मैं तो इमरान खान का पंटर हूं, इमरान खान का दोस्त हूं, मेरी मर्जी का कोच आएगा, मेरी मर्जी की वेबसाइट के राइट्स होंगे, मेरी मर्जी के पैसे आएंगे, बस खाते जाओ मुल्क के। डेफिनेटली आपका कमेंट आ गया एंड ये डिटेल डिस्कशन है, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे थोड़ी और इंफॉर्मेशन निकाल के। थैंक यू सो मच डॉक्टर काशिफ फॉर जॉइनिंग अस, इट वाज A pleasure having you as well. Thank you, sir. Sahid bhai, aapka hi bahut shukriya paaye and thank you so much aapko apni raaye se hamein aagah karne ke liye. With that, this is me, Uzair Hasan. Isme end kar rahe hain, bilkul isi mein end karenge. With that, this is me, Uzair Hasan, signing off. I'll see you in another exciting episode of GMN TV. क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, और अगर ये एपिसोड आप लाइव देख रहे हैं और दोबारा आपने देखनी है तो आप NTV की ऑफिशियल ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, एंड्रॉयड एंड आईफोन दोनों पर डाउनलोड हो सकती है ये जो ऐप है। आई विल सी यू इन अदर एक्साइटिंग एपिसोड, टिल देन टेक केयर। Oh, oh, oh.